उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने देर रात गुरुवार को बलिया पुलिस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। दरअसल शिवरामपुर घाट पर नवनिर्मित जनेश्वर मिश्रा सेतु पर शिकायत के बाद सेतु पर अवैध तरीके से पुलिसकर्मी वाहनों से अवैध वसूली कर ट्रकों को एक छोर से दूसरे छोर पर भेज रहे थे। देर रात निमंत्रण छोड़ पहुंचे मंत्री ने रंगे हाथों एक कांस्टेबल को पकड़ लिया, जबकि वहां मौजूद दो अन्य पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। इस कार्रवाई के बाद दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया, जबकि दुभर थाना के सब इंस्पेक्टर और प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूं तो यूपी पुलिस की कारगुजारी हर कोई जानता है, पर इस बार बलिया पुलिस की कारगुजारियों को खुद यूपी सरकार के एक मंत्री ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह यूपी पुलिस देर रात के अंधेरे में अवैध वसूली करती है और थाने खाली पड़े रहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला गंगा नदी पर बने शिवरामपुर घाट पर नवनिर्मित जनेश्वर मिश्रा सेतु पर गुरुवार की देर रात पहुंचे। इस दौरान मंत्री को देखते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। कई पुलिसकर्मी अपनी बाइक छोड़कर ही भाग निकले, मगर एक सिपाही को मंत्री ने खुद दौड़ाकर पकड़ लिया। दरअसल गंगा नदी पर बने जनेश्वर मिश्रा सेतु का निर्माण हो चुका है, पर इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। बावजूद इसके इस इलाके के आसपास के कई थानों की पुलिस अवैध तरीके से खाली ट्रकों से हजारों रुपए वसूली कर यूपी से बिहार और बिहार से यूपी भेजने का काम कर रही थी। कई दिनों से मिल रही इस शिकायत के बाद राज्य मंत्री ने देर रात जब छापा मारा तो वहां मौजूद अवैध वसूली कर रहे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। किसी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। एसएसपी साहब से बात हुई है, उनका तुरंत दीजिए, अभी सस्पेंड कर एकदम किसी कीमत पर। हम लोगों का आप पर विश्वास है। जी जी, कप्तान साहब से बात हुई है। जी जी, लेकिन मैं निमंत्रण छोड़ के भी आया कि आखिर मैं अपनी आंखों से मैं देखूं। जैसे हम लोग आए अपराधियों की तरह गेहूं बांधे हुए थे, जैसे गाड़ी हमारी रुकी भगे सब, एक दो मोटरसाइकिल तो लेके भगे, एक गिर गया होगा, हेलमेट गिर गया किसी का, बोतल पानी सब आप देख ही रहे हैं, पूरा थाना खाली है। हाँ बिल्कुल, केवल जो एकदम आप कड़ाई करिए इसका। बिल्कुल, दरअसल करोड़ों की लागत से बना नवनिर्मित जनेश्वर मिश्रा पुल यूपी और बिहार को जोड़ता है। ऐसे में अवैध तरीके से कई थानों के पुलिस ट्रकों से अवैध वसूली करती है। मंत्री ने बताया कि महावीर घाट के पास ट्रकों का जमावड़ा लग जाता है, इसके बाद पुलिस वाले ट्रक को देर रात दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग कई बार कर चुके हैं। इस कार्रवाई के बाद वहाँ एडिशनल एसपी सदर कोतवाल सीओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मंत्री ने साफ तौर पर बलिया पुलिस की कारगुजारियों की पोल खोलकर रख दिया और कहा कि बलिया पुलिस के कारनामे राज्य सरकार को बदनामी के सिवाय कुछ नहीं देते, इसीलिए तत्काल कार्रवाई कर दोषियों को बर्खास्त किया जाए। यहां पर हमको जानकारी मिली थी 20-25 दिन से खेल चला रात रात भर, ये सब पूरा थाना यही दौड़ रहा है, लाखों की वसूली। ये ट्रकों का आप देखेंगे, अभी आप चलिए नगवा थाने ढाले पर, बुलापुर ढाले पर 50-50 गाड़ियां खड़ी होंगी। तो रास्ते में हम लोग जब यहां पर आए, 4-5 मोटरसाइकिलों से 10-12 खड़े थे, सारे मुंह बांधे हुए थे, दो मोटरसाइकिल लेके भाग गए, 3 मोटरसाइकिलें गिरी हुई, एक कांस्टेबल कोई पकड़ा गया है, अंदर है दुमर थाने का सिपाही है, थाने पर एक आदमी नहीं है। सरकार इतनी बड़ी बदनामी, वहां पर बिचला घाट से गाड़ियां चल रही है, उधर पर कोई टाइगर नाम का दीवान है, 500 रुपया उधर वसूली कर रहा है। ये एकदम आज पूरा दुभर थाना एकदम बर्खास्त, केसों को अभी तुरंत यहां बर्खास्त होना चाहिए। किसी कीमत पर ये सब चीजें बर्दाश्त होने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी कितनी बदनामी, कितनी तपस्या से वो काम कर रहे हैं, और हम लोगों को आज तक क्षेत्र में कोई ऐसी चीज हम लोग होने नहीं देते। एकदम ये बर्दाश्त के बाहर चीज हो गई। तीनों मोटरसाइकिलों को पहले इसको नोट करिए नंबर, हटाइए पाने जी। हाँ। और इन सबों का कहाँ है कोतवाल साहब, ये इनकी डिग्गियों को चेक करिए क्या क्या इसमें, एक किसी का उधर हेलमेट भी गिरा हुआ है, इसमें इसमें इन सबों का, ये इनसे पहले पूछिए कि कांस्टेबलों की ड्यूटी कहाँ पर लगी हुई है, कोई यहाँ पर नहीं है। नंबर नंबर नोट करो, सबका नंबर नोट कर देखिए, सब क्या क्या लेके चले हैं। देखिए टोपी है, टोपी है, सब 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 डिग्री चेक करिए, और एक पकड़ा गया है, ये देखिए हो गया, देखा भी है, चलो इसको रखो एक मिनट विपिन सर, सर उनको आप अपने थाने पे ले चलो, अपने कोतवाली पे। ठीक है सर, इसकी चाबियां हैं क्या? हाँ है, चाबियां चाबियां हैं, दीजिए भैया। नहीं ये ट्रक ड्राइवर कहाँ है? ट्रक ड्राइवर ड्राइवर इधर आओ साहब,
देखिए जरा इसे आप पूछिए कितना है सब पैसा कहाँ कहाँ देते हैं। सर वहाँ रेलवे स्टेशन पे 100 नंबर लेती है 200 100 नंबर लेती है 200 रेलवे स्टेशन के सामने जब घुसते हैं इस रोड में आने के लिए वहाँ पे तुम्हारा चल रहा है। हाँ आप कहाँ के हैं? हम तो बलिए के हैं सर। हमारा प्रॉपर करना है उसके बाद इधर आते हैं तो अपना ये कचड़ा जा सकते हैं ना महावीर घाट मंदिर के सामने वहाँ पे सिपाही लेते हैं वहाँ तो वर्कशॉप करते हैं वहाँ 2000 लेते हैं वहाँ वर्कशॉप करते हैं यहाँ तो ये लोग छोड़ते हैं यहाँ से निकलते हैं तो उधर लगता है पूरा गैंग बचा हुआ है उधर भी निकलने के बाद अभी चौकी चंद नहीं है उसके उधर पूरी चौकी वो होगी पूरा थाना एक कांस्टेबल मैं पहले थाने पर गया अच्छा थाना मैं देख करके आया बाहर से एक कोई थाने पर नहीं है जो बाहर रक्षक भी लगते हैं ना एक कोई थाने पर नहीं था। ऐसा नहीं है कि इस पुल से हो रही अवैध वसूली की खबर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को नहीं थी। बावजूद इसके अधिकारियों की नाक के नीचे ही ये पूरा काला खेल चल रहा था। मंदिर की शिकायत के बाद बलिया पुलिस ने 2 कांस्टेबल को निलंबित करने का आदेश दिया तो इस प्रकरण में दुभड़ थाने के सब इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी की भूमिका के खिलाफ जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही एक अन्य होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला होमगार्ड कमांडेंट को पत्र लिखा है। रात में सूचना प्राप्त हुई कि जनेश्वर मिश्रा पुल पर कुछ पुलिस वालों द्वारा कुछ वाहनों को रोका गया है और आसपास के लोगों से अभद्रता की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर दुबरा इंस्पेक्टर कोतवाली सी ओ सिटी और मैं स्वयं मौके पर हम लोग गए और वहां पर 3 मोटरसाइकिलें प्राप्त हुई जिन्हें ये बताया गया कि ये पुलिसकर्मियों की हैं। एक आरक्षी वहाँ मौके पर मिला जिसका नाम राजू भारद्वाज थाना दुबाड़ का था। पूछताछ की गई जानकारी की गई तो वहाँ उपस्थित जनता के लोगों द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा अनावश्यक वाहनों को रोका जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है और इस संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देश पर तुरंत जाकर जाँच की गई तो ये जानकारी हुई कि इनकी वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगी हुई थी और उन मोटरसाइकिलों के जो ओनर हैं जो मालिक हैं उनके संबंध में जानकारी की गई तो इसमें ये पता चला कि एक राजू भारद्वाज नाम की सिपाही की है एक मुलायम कुमार नाम का आरक्षी है और एक होमगार्ड लेके गया था। दोनों आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। होमगार्ड के विरुद्ध कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को पत्र लिख दिया गया है और इस पूरे प्रकरण में जो भी हल्का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हैं और प्रभारी निरीक्षक दुबहड़ इन सब की भूमिका की जांच के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश कर दिए गए। किस तरह के वाहन थे किस तरह के वाहनों को रोका जा रहा था? जनेश्वर मिश्रा सेतु बन गया है किंतु अभी अप्रोच रोड नहीं बनी है कच्ची सड़क है और इधर से खाली ट्रकें जाती हैं। ट्रकें नीचे की तरफ से आ रही थी घाट की तरफ से और रास्ता बहुत टूटा फूटा है गाड़ियों के पलटने की भी संभावना है फिर भी गाड़ियां जाती हैं तो उनका आरोप है कि इनको यहां जाने नहीं दिया जा रहा है इस प्रकार परेशान किया जा रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।